हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज फिर से आपके एक नया ट्रिक लेके आया हूं, एलजेब्रा का ट्रिक लेके आया हूं। क्योंकि एलजेब्रा ट्रिक में क्या होता है, आपको काफी आइडेंटिटी याद करना होता है, फॉर्मूले याद करना होता है और सॉल्यूशन करने में टाइम लगता है। तो आपके लिए ऐसा ट्रिक लेके आया हूं जो आपके सॉल्यूशन को इजी बना देगा और आप इजीली आंसर निकाल पाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला सम आपके लेके आया, लेकिन आपको पहले सम में आपको शॉर्ट ट्रिक नहीं दूंगा। सबसे पहले आपका मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, ट्रेडिशनल मेथड में कैसे सॉल्व करते हैं वो पहले सिखाऊंगा, उसके बाद आपको दूंगा शॉर्ट ट्रिक। चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर दिया क्या है। यहाँ पर दिया इफ एक्स वाई इक्वल टू 18 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 45, ये दो चीज दिया हुआ है और बोला है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई। हमें फाइंड करना है कि एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है। देखिए ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता था, फॉर्मूला याद करना होता था। तो क्या करेंगे, देखिए हमें ये फाइंड करना है, ये सब दिया हुआ है, स्क्वायर स्क्वायर दिया है। तो हमारा फॉर्मूला को दिमाग में इस तरह से आया कि एक्स प्लस वाई को अगर मैं होल स्क्वायर करता हूं तो फॉर्मूला क्या बनेगा। यहां पर एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मतलब ये है कि यहां पर x दिया है तो आप कह सकते हो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखिए यहां पर x दिया है तो यहां पर x आ जाएगा और यहां पर y दिया है तो यहां पर y आएगा, यहां पर x और y, ये लिख दिया मैंने, आइडेंटिटी लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे, देखिए क्या जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखिए x प्लस वाई हमें फाइंड करना है तो यहां पर कुछ नहीं लिखेंगे हम लोग, एस इट इज कॉपी कर देंगे और छोड़ देंगे। अब देखिए यहां पर क्या होगा, एक्स स्क्वायर, अब देखिए यहां पर वाई स्क्वायर, देखिए यहां पर x और y एक साथ दिया हुआ है तो उसको एक साथ लिख लेते हैं हम लोग, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये दो को मल्टीप्लाई करोगे तो 2xy आ जाएगा, ये क्लियर हो गया। अब देखिए यहां पर x प्लस y द होल स्क्वायर, अब देखिए यहां पर ये जो चीज जो है इसकी वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मतलब यहां पे लिखेंगे 45 लिखेंगे। अब देखिए इसकी वैल्यू दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, देखिए ऑलरेडी दिया हुआ है तो यहां पे लिखेंगे 18 लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए x प्लस y द होल स्क्वायर इक्वल टू 45 लिखा मैंने यहां पर, 2 8 जा 16 हो गया, कैरी 1 गया तो 2 1 जा 2 प्लस 1 कितना होगा, 36 होगा। अब देखिए इनको प्लस कर लेता हूं मैं अगर, तो कितना होगा, यहाँ प्लस करोगे तो आपका आएगा 81 आ जाएगा, आपका 81 आ गया। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए, एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये जो स्क्वायर जो है इधर आएगा, क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, मतलब 81 हो जाएगा, रूट 81, मतलब आंसर क्या हुआ, 9, मतलब एक्स प्लस वाई का आंसर जो है वो 9 है। तो इतना सब करना पड़ता था आपको, आपको आइडेंटिटी याद करना पड़ता था, लेकिन आपके लिए शॉर्ट ट्रिक लेके आया। देखिए क्या करोगे, देखिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आप ऑब्जर्व कीजिए, देखिए यहां पे दिया क्या है, x और y मल्टीप्लाई फॉर्म में है और 18 दिया है, तो 18 का फैक्टर निकालिए। आप कैसे फैक्टर निकालोगे, या तो आप बोलोगे 6 मल्टीप्लाई 3 18 होता है, या फिर आपके दिमाग में आएगा कि 9 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 18, ये दो चीज आएगा। अब मत बोलना कि 81 जा 18 आता है, उसको लेने की जरूरत नहीं है, ये दो को आपको दिमाग में रखना है। अब आपके दिमाग में आएगा कि भाई ये होगा कि ये होगा, तो चेक कर लेते। देखिए आप यहां पर कि देखिए दोनों को प्लस करने पर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को प्लस करने पर 45 आ जाए, तो अब यहां पर 9 का स्क्वायर करोगे तो 9 जो 81 आ जाएगा और आपको 45 लाना है आपको, तो कैसे करोगे आप, तो ये तो कैंसिल हो गया, तो क्या करोगे आप, इसको लोगे। देखिए यहां पर ये फॉर्मूला सेट हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करोगे तो 36 होगा और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 होगा और 36 प्लस 9 करोगे तो 45 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये मेरा समझ लीजिए एक्स है, ये मेरा समझ लीजिए वाई है, या फिर ये मेरा समझ लीजिए वाई है और ये समझ लीजिए एक्स है, क्या फर्क पड़ता है हमें, क्योंकि हमें देखिए यहां पे मल्टीप्लाई फॉर्म में दिया है। तो यहां पे लिख लेता हूं कि एक्स प्लस वाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3 आपका हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इजीली आंसर निकाल सकते हो। तो ये तो समझा दिया मैंने, और भी बहुत सारे सम लेके आया हूं मैं आपके लिए जिससे आपका हर एक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए आपके लिए सेकंड सम लेके आया, देखिए क्या दिया है इसमें, देखिए आपको दिया है यहां पर इफ x माइनस वाई इक्वल टू 4 है एंड
एक्स वाई इक्वल टू 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए ये जो दिया होता है मल्टीप्लाई फॉर्म में, इसका हमें फैक्टर निकालना है। तो यहां पर देखिए 12 है, तो 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे, देखिए यहां पर 3 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा 12 हो जाएगा, और 6 मल्टीप्लाई बाय अगर आप करोगे 2 तो 6 2 का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो ये दो चीज है, दो पॉसिबिलिटी है जो सही हो सकता है। तो कैसे चेक करेंगे, देखिए आप यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर देखिए ये 6 है, तो अगर मैं x को अगर 6 मानता हूं अगर, और मैं देखिए यहां पर 2 को अगर यहां पर लिखता हूं, तो 6 माइनस 2 क्या होगा 4 हो सकता है, और उसी तरह देखिए 6 मल्टीप्लाई 2 करूंगा 12 हो जाएगा। अब देखते हैं ये चीज सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो अब देखिए 3 माइनस 4 करने जाओगे आप तो क्या हो जाएगा आपका यहां पर ये माइनस 1 हो जाएगा, और क्या होगा देखिए अगर 4 माइनस 3 करोगे तो आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो आपका ये 4 नहीं हो रहा है, तो ये तो चीज एकदम गलत हो जाएगा। इसी को सिलेक्ट करोगे आप, इससे क्या हो जाएगा आपका देखिए 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो दिमाग में ये आ गया कि 2 माइनस 6 तो कर सकते नहीं क्योंकि माइनस 4 हो जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस x को हमें सपोज करना पड़ेगा 6 सपोज करना पड़ेगा, और y को क्या सपोज करना पड़ेगा 2 सपोज करना पड़ेगा, जिससे क्या हो जाएगा आपका जो 4 जो है वो आंसर एक्यूरेट हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, इसका वैल्यू निकालना है तो आप लिखोगे x क्यूब माइनस y क्यूब है, तो x की वैल्यू क्या है 6 है, तो 6 का क्यूब निकाल लीजिए, और y की वैल्यू क्या है यहां पर देखिए 2 है, तो 2 का क्यूब निकाल लेता हूं, तो 6 6 जा 36 होगा, फिर 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 6 से 36 तो 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 कितना होगा 216, तो आप लिखोगे 216 माइनस 22 जा 4 42 जा 8, तो आप यहां पे 8 लिख दोगे, अब माइनस कर लो कितना हो जाएगा 208 आपका आंसर हो गया इसका, कि इसका आंसर जो होगा वो 208 होगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेके आया आपके लिए मैं, तो चलिए दोस्तों और एक सम लेके आया देखिए आपके लिए, इसमें दिया क्या है देखिए ध्यान से देखिए कि इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू 72 दिया है एंड ए बी इक्वल टू 8 दिया है, और फाइंड क्या करने बोला है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस बी। ए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देंगे जब मल्टीप्लाई फॉर्म में होता है, जब यहां पे दिया हुआ है इसका हमें प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा, तो 8 का प्रोडक्ट क्या होगा, एक तो होगा 8 1 जा 8 होगा, दूसरा क्या हो सकता है 4 2 जा 8 या फिर 2 4 जा 8 ये हो सकता है। अब देखोगे अगर इस चीज को हमें इस चीज में पुट करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा 72 आता है या नहीं आता है, तो ध्यान दोगे आप ये तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 8 8 जा करोगे तो 1 का कुछ होगा नहीं, जैसे 72 तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, तो इसको तो आप छोड़ दीजिए, इसको पकड़ के चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पर कि a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू 72 है, तो देखिए 4 का क्यूब कर लेता हूं यहां पर, और देखिए 2 का क्यूब कर लेता हूं, चेक करता हूं 4 4 जा 16 और 16 4 जा कितना होता है 64 होता है, और 2 2 जा 4 और 4 2 जा कितना 8 होता है, तो प्लस कर लेता हूं 8 प्लस 4 12 हो गया 2 कैरी 1 72 आपका आंसर हो गया। मतलब ये जो पॉसिबल है, जो ये चीज पॉसिबल हो सकता है, तो क्या करोगे आप, इसको a मान लो या इसको b मान लो या फिर इसको b इसको a मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि की कोई बात ही नहीं है यहां पर, तो क्या लिखेंगे हम लोग a प्लस b लिख दिया मैंने, 4 प्लस 2 कितना होगा 6 होगा, हो गया आपका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंंसर 6 होगा। चलिए और एक क्वेश्चन लेते हैं, आखिरी सम लेके हैं आपके सामने, देखिए क्या सम दिया है, देखिए यहां पर कि इफ a प्लस b इक्वल टू 3 है एंड a b इक्वल टू माइनस 4 दिया, देखिए यहां पे माइनस 4 दिया है, कुछ नया दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब प्लस b क्यूब, ये फाइंड करना है। ध्यान दीजिए यहां पर देखिए ये माइनस 4 दिया है, इसका फैक्टर निकालना पड़ेगा, तो क्या करोगे, देखिए 4 होगा तो क्या करेंगे, देखिए 4 1 जा 4 होगा या फिर 2 2 जा 4 होगा, दोनों में से एक होगा, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यहां पर माइनस 4 दिया है, ये तो हो ही सकता नहीं, क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहां पर देखिए 2 माइनस 2 करोगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 करोगे तो 4 हो जाएगा, तो ये चांस तो होगा ही नहीं, इसको पॉसिबल कर सकता नहीं है, तो एक यही एक चीज है, लेकिन इसमें कुछ क्या करना पड़ेगा, साइन की सेट करना पड़ेगा हमको, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखिए अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप लॉन्ग मेथड से करिए, अगर फॉर्मूला नहीं आता तो सेट करना सीखिए। देखिए यहां पर 4 है तो क्या कर सकते हो, देखिए यहां पर आप a मल्टीप्लाई b करके माइनस 4 आएगा, काम करते हैं हम लोग यहां पर लिख देते हैं माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 करते हैं, तो माइनस 4 मल्टीप्लाई 1 कितना होगा माइनस 4 हो जाएगा, ये पॉसिबल तो हो गया। अब चेक करेंगे कि ये होता क्या नहीं होता है, देखिए आप यहां पर ध्यान से देखिएगा यहां पर कि अगर मैं a को
4 पकड़ता हूं तो -4 और यहां पर +1 करता हूं तो माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और -3 आ जाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, a को मुझे 4 पकड़ना पड़ेगा मुझे और b को क्या करना पड़ेगा मुझे, -1 करना होगा। तो पॉसिबल हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखिए आप यहां पर कि a प्लस b दिया है तो क्या करोगे आप, यहां 4 लिखोगे और -1 दिया है तो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, -1 हो गया और ये आपका 3 हो गया, काम हो गया। और वैसे भी ये भी पॉसिबल हो सकता है, 4 × -1 इट्स गिव्स यू -4। ये दोनों पॉसिबिलिटी फुलफिल हो गया है जिससे आप ये चीज फाइंड कर सकते हो। कैसे फाइंड करोगे, a क्यूब प्लस b क्यूब करोगे। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 4 है तो 4 का क्यूब निकालोगे, यहां प्लस करोगे और -1 का क्यूब निकालोगे। तो कैसे करोगे, 4 × 4 = 16 और 16 × 4 का कितना होगा, 64 होगा। अब देखिए यहां पर -1 × -1 × -1 करोगे तो -, प्लस और प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे क्या आएगा, -1 आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 64 − 1 आंसर कितना होगा, 63 आपका आंसर हो जाएगा, मतलब इसका आंसर क्या होगा, 63 होगा। तो इस वीडियो में इतना है। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपने चैनल जो आपका चैनल जो है ये इमरान सर मैथ्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबा दोगे तो जो भी लेटेस्ट वीडियो मैं बनाऊंगा वो आप तक पहुंच पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।